छत्रपति शिवाजी के सेनापति के 14वें वंशजों ने आज आगरा से गरुड़ उड़ान यात्रा प्रारंभ की। यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार शामिल हुए। यात्रा से पहले शिवाजी महाराज की युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया गया। आगरा में कोठी मीना बाजार वह स्थान है जहां शिवाजी महाराज 99 दिन रहे थे। औरंगजेब ने उन्हें यहां प्राचीन कोठी में कैद रखा था, लेकिन मौका पाते ही वे आज ही के दिन 17 अगस्त 1666 कैद से मुक्त होकर निकल गए। वीरभूमि प्राचीन कोठी को शिवाजी महाराज के सेनापति के वंशजों ने नमन किया। इसके बाद आगरा किला के पास बिजली घर चौराहे पर स्थित शिवाजी महाराज के प्रतिमा स्थल से गरुड़ उड़ान यात्रा शुरू हुई। आगरा से यात्रा महाराष्ट्र के राजगढ़ के लिए रवाना हुई। यात्री 1253 किलोमीटर लंबी यात्रा को तय करते हुए 13 दिन में वहां पहुंचेंगे। गरुड़ उड़ान यात्रा का कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। यात्रा आरंभ करने से पहले महाराष्ट्र से आए दल ने युद्ध कला का प्रदर्शन किया। आगरा के लोगों ने उनकी तलवारबाजी और भाले का प्रदर्शन को देखने के बाद प्रशंसा की। यात्रियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। छत्रपति शिवाजी का स्मरण करते हुए उनको नमन किया। महाराष्ट्र से आए गरुड़ उड़ान मुहिम के अध्यक्ष मारुति गोले उपाध्याय, दिग्विजय सरजेराव आदि ने कहा कि यात्रा जन जन तक शिवाजी महाराज के इतिहास को पहुंचाने का कार्य करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।